सप्ताह महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिन चलने वाला स्पेशल सेशन आज से मुंबई में शुरू हो गया है। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर सभी 288 नए चुने गए विधायकों को शपथ दिलाएंगे और बता दें कि 6 दिसंबर को विधायक कालिदास कोलंबकर को विधानसभा के विशेष सत्र के लिए यहां पर प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। उन्हें गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में शपथ दिलाई। वहीं 9 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष उन्हें चुना जाएगा और इसके लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार का नाम चर्चा में बना हुआ है। हालांकि चर्चा में ये भी है कि राहुल नार्वेकर नई सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में सुधीर मुनगंटीवार अध्यक्ष पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बता दें विधायकों की शपथ और अध्यक्ष के चुनाव के बाद 9 दिसंबर को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। नई विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 से 21 दिसंबर तक चलेगा। मैं देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाप्रति मी खरी श्रद्धा निष्ठा बाळगेन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन। मी अजित अशोकयानंतर पवार विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन।